गाइस क्या हालचाल, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। ओह सॉरी ये मेरा इंट्रो नहीं। सो है गाइस वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो गाइस, एंड आज आ चुका अपना चैलेंज वीडियो। एंड आज करेंगे अपन गेस द इमोजी चैलेंज, में करने वाले अपन गेस द बिस्किट चैलेंज, एंड सबकी फेवरेट क्या गेस द चॉकलेट चैलेंज। सो स्टार्ट करते, एंड मेरे साथ आप लोग भी खेलोगे, तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो। एंड हियर वी गो गेस From emojis riddles. तो ये रहा अपना फर्स्ट, guess the biscuits and jam. हाँ jam. So ये biscuit भी बहुत खाए, मस्त लगते थे, एकदम jam जैसे लगते थे। ठीक, तो इसका आंसर तो jam है, तो जैसा कि पता था jam. Thank you. तो ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन, एंड ये है दूध और मधुमक्खी। तो इंग्लिश में, हिंदी में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, इंग्लिश में देखते हैं। मिल्क बी मधुमक्खी मतलब बी एंड किस, तो मिल्क बी किस, ये है कौन सा बिस्किट हुआ यार। तो ओह मिल्की बीक्स, तो वाइज ये वाला बिस्किट मैंने नहीं खाया कभी। एंड जहाँ तक मैंने देखो सही बताया, देखो मिल्क बी और किस तक मैंने सही बोला, बाकी थोड़ा सा नेम चेंज है बिस्किट का, तो मतलब राइट ही हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो इसी बात पर लाइक बनती है। तो भाई चलते हैं थर्ड गेस द बिस्किट चैलेंज, और 50-50 गाइस, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एंड आई होप आपको भी समझ गए 50-50 जो बिस्किट आते हैं। तो इसका आंसर है, मैं ही बताता हूँ, 50-50। थैंक यू। तालिया नहीं, उसकी जगह आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब ऑल्सो। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट, एंड थोड़ा तो हार्ड दे। टाइगर क्रंच यार, टाइगर क्रंच बहुत इजी था ये तो। तो ये है टाइगर क्रंच बिस्किट, या थैंक यू, मुझे बता था मैं राइट हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था। या तो आ चुके पर नेक्स्ट, एंड ओ ट्रीट भी बहुत खाए, ट्रीट सभी खाए वैसे तो, मैंने बहुत तो नहीं बाकी खाए सभी, तो ये है ट्रीट, थैंक यू। तो या ये चलता है नेक्स्ट, एंड क्या है, छोटे हार्ट्स करके कौन से बिस्किट आते हैं भाई, लिटिल स्मॉल, अरे लिटिल हार्ट्स, ओ भाई लिटिल हार्ट्स, तो काफी खाए लिटिल हार्ट्स तो वैसे, और लिटिल हार्ट्स बिस्किट थे क्या, कहाँ से आते हैं या चिप्स के पैकेट में आते थे ना ये तो, तो लिटिल हार्ट्स मेरे को नहीं पता था बिस्किट है, बाकी बहुत अच्छे लगते थे, इसमें शक्कर डली रहती थी, हार्ट के शेप में आते थे, एंड हाँ तो लिटिल हार्ट बिस्किट है आज मेरे को पता चल रहा है, मेरे को तो चिप्स के वेपर, क्योंकि चिप्स का वेपर्स आता है ना उसमें, तो हाँ तो लिटिल हार्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है डार्क फैंटेसी, ओ भाई इतना इजी, मतलब कितना अच्छे से दिया, देखो डार्क फैंटेसी, ओ भाई तो डार्क फैंटेसी भी बहुत अच्छा लगता है, क्या चॉकलेट और क्रीम आते थे उसके अंदर मस्त वाली, तो हाँ इसका आंसर है डार्क फैंटेसी। तो ये रहा अपना नेक्स्ट, एंड ये क्या है भाई, ओरियो भाई मेरा फेवरेट बिस्किट है ओरियो, तो ओरियो अगर आप सामने से देखो तो थोड़ा सा अलग लगता है, रियो पढ़ने पर पूरा समझ आ रहा ओरियो है, तो या ओरियो। सो चलते हैं नेक्स्ट, और ये है पार्ले जी यार, इतना इजी था ये तो, और क्या लगते हैं यार पार्ले जी बिस्किट, वो भी मेरे फेवरेट बिस्किट, एंड चाय के साथ खाने में उनको कुछ अलग ही स्वाद लगता है। तो ये रहा नेक्स्ट, एंड ये क्या है गोल्ड, ये तो मैरी है ना, मैरी थोड़ा सा टफ लग रहा है, मेरी गोल्ड काफी अच्छे बिस्किट आते हैं, बहुत खाए वो भी, और गेहूं के बनते हैं शायद वहाँ, तो काफी मस्त लगते हैं वो भी,
तो या मेरी गोल्ड। फाइनली कि इस द बिस्किट चैलेंज खत्म हुआ, आओ अपन करते हैं कि इस द चॉकलेट चैलेंज। एंड मैंने सिर्फ एक की शायद तक गलत रिप्लाई दिया, एक ही आंसर गलत दिया है, और वो था मिल्क। वो भी मैंने सही बताया था मिल्क किस तक, बाकी मुझे नहीं पता था उस तक, मैंने खाया ही नहीं आज तक वो बिस्किट, बाकी फिर भी मैंने सही दिया था, थोड़ा बहुत सही गेस करा था मैंने। एंड इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस गेस द बिस्किट चैलेंज हुआ खत्म, एंड अब करते हैं अपन गेस द चॉकलेट चैलेंज। एंड मेरी फेवरेट चॉकलेट है किटकैट एंड डेयरी मिल्क। तो या आपकी क्या फेवरेट है, मेरे को क्या पता, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये रहा आपने फर्स्ट गेस द चॉकलेट, एंड क्या है भाई, मिल्क है, और मिल्क पनीर, मिल्की पनीर नहीं, पनीर अंडे दूध नहीं, डेरी मिल्क यार। म्यूजिक। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे मतलब आपको मत सिखा कि अपनी फेवरेट चीज ही अपन नहीं पहचान पाते हैं। तो चलो एक हार चुका हूँ मैं, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। तो चलो चलते हैं सेकंड, एंड गेस द चॉकलेट हियर। ये क्या है, कीटी कीटी बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किट किटकैट, किटकैट यार, किटकैट, हाँ किटकैट। तो चलो दूसरी मेरी बैक टू बैक फेवरेट आ गई यार दोनों चॉकलेट। फर्स्ट वाले डेयरी मिल्क मैं नहीं दे पाया उसका सही जवाब, एंड किटकैट का मैंने सही दिया, मतलब ज़्यादा फेवरेट ये हुई। या चलो नेक्स्ट। ये क्या है, सांप आरएस, आरएस तो बाइक हो गई, नहीं सॉरी आरएस तो आरएस, सांप आरएस, स्नेक आरएस, स्नेकर्स या स्नेकर्स, तो स्नेकर्स मुझे याद नहीं आ रही, बाकी मैंने नाम सुना है, खाई होगी एक आध बार, और हाँ तो या स्नेकर्स। आपका नेक्स्ट, एंड ये है की एन हिरन, नहीं की एन तो है, की एन हिरन लड़की, कुछ भी कुछ भी, की एन हिरन नहीं, की एन यार ये क्या हुआ, किंडर जो यार, मतलब हाँ की एंड डियर एंड जो है यार, किंडर जो यार कब से चॉकलेट होने लग गए यार, मैंने यार किंडर जो का तो भूल ही गया था मैं। तो या तो ये अपन हार चुके हैं ये वाला अपन, कि काफ़ी अच्छा था वैसे, बाकी मुझे नहीं पता था कि किंडर जो चॉकलेट होती है। चलो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। या तो चलते हैं नेक्स्ट, एंड ये क्या है, मैन पेर, मेंटोस या मेंटोस, तो ये भलते ही निकल गया, ये पूरा गेस था, कुछ भी नहीं था, एंड मैंने सिर्फ टोस पता नहीं कैसे निकल गया यार इंग्लिश वर्ड, ठीक है भाई, तो ठीक है। या तो चलते हैं नेक्स्ट, और ये है स्टार्स, फाइव स्टार। तो ये चॉकलेट मुझे बहुत बेकार लगती है, मतलब उसको खाते ही जाओ मतलब चबाती नहीं, मतलब बहुत बेकार चॉकलेट लगती है, गजब बेइज्जती है। ओ यार नेक्स्ट, एंड मिल्क की का तो बहुत ही यूज हुआ यार, मिल्क की चाट ग्राफ, मिल्की बार यार, मिल्की बार तो ये काफ़ी अच्छी लगती थी मिल्की बार भी, और मस्त, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे टेस्ट भूल गया हूँ मैं, और बाकी ठीक है। नेक्स्ट और सोचो नेक्स्ट, और ये क्या है भाई, अंडे, कौन से अंडे है ये, डायमंड जैसा लग रहा है, डायमंड कुछ आती है क्या चॉकलेट, डायमंड चॉकलेट नहीं, डायमंड नहीं है, थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, देखिए बहुत मुश्किल लग रहा है ये वाला, डायमंड तो YouTube सिल्वर प्ले बटन जैसे लग रहा है, कुछ भी ओ, तो इसका आंसर नहीं पता, देखते हैं आंसर क्या है।
जेम्स यार, कैसे कैसे मतलब, अच्छा हाँ वो रिंग्स के उसको जेम्स बोलते यार। तो ये क्वेश्चन हार चुके अपन, सेकंड लॉस। यार चलते हैं अपन, अब लास्ट क्वेश्चन है अपना। फोड़ो बलून, फोड़ो पिन, फोड़ो बड़ो पिन, क्या है? पॉप पॉप, हाँ बोल रहा है पॉप। और ये है पोपिंस, पोपिंस शायद तक पोपिंस हो सकता है, पोपिंस या पोपिंस। तो चलो लास्ट वाला तो सही चले गया, तो ये पोपिंस। एंड आज के सब क्वेश्चन होते हैं, नहीं, एक और बाकी, एक और बाकी, एक और बाकी। तो सो यार लास्ट एंड क्या है भाई? सही लड़के नहीं, राइट टॉक टॉक कर रहे इतना पता। एंड राइट टॉक, ट्रू टॉक, ट्रू टॉक शायद एक, नहीं, चॉकलेट नहीं। ट्रू टॉक इसको राइट क्या बोलते हैं, पोज कर लेते हैं यहाँ पर। लास्ट वाला नहीं, ट्रू टॉक टॉक ट्रू, नहीं, टिक टिक टॉक टिक, अरे टिक टॉक क्या है, टिक, हाँ टिक टिक टैक, टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टॉक बोल दिया मैं या भाई, टिक टॉक भाई, मतलब ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल था यार। टिक और हाँ, तो थोड़ा सा गेस में वर्क हुआ यहाँ पर। तो या तो सारे क्वेश्चंस होते हैं अपने ख़त्म। एंड आई होप आपको ये वीडियो एंजॉय होता है। अगर वीडियो एंजॉय नहीं हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भी लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है, किसी भी कीमत में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही है। एंड राम, तो अपने मोबाइल का यहाँ पर थैंक यू दे देते अपन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। एंड नाउ बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड हिट द चैनल सब्सक्राइब एंड द प्रेस द बेल आइकन। भाई कौन सी इंग्लिश बोल रहा हूँ यार। तो भाई सीधे सीधे बोल देते हैं गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन को क्लिक करना ना बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बी फोकस या एंड बी सेफ एंड या बस 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 बस, इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती अपन को, आती फिर बाद में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।